हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन क्रिएटिव गुड्स। मैं हूं आकाश और आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक गैजेट जिसकी हेल्प से जो है जिनको पटाखे चलाने से डर लगता है वो भी इजीली पटाखे चला सकते हैं। इसको बनाना सीखना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, रॉकेट लॉन्चर बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक पीवीसी पाइप चाहिए। ये गाइज बिजली फिटिंग में जो यूज़ होती है वही वाली पाइप है। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जो है इजीली काफ़ी ज़्यादा कम रेट में मिल जाएगी। और आगे से गाइज हमें जो है इसकी एक छोटी सी रिंग कट करनी है। यहाँ पे गाइज मैंने इसकी पहले से कट कर रखी है रिंग और इसको जो है गाइज बीच में से भी मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पे गाइज मैं दो नट लगाऊंगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। मैं आपको फटाफट से होल करके जो है यहाँ पे नट लगा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे गाइस मैंने इसके अंदर जो है होल करके नट लगा दिए हैं और अब जो है हमें इसको हमारी पाइप के ऊपर इस टाइप से फिक्स करना है। इसको फिक्स करने से पहले गाइस हमें जो है एक होल यहाँ पे करना है, ठीक है, और एक होल यहाँ पे पाइप के यहाँ पे नीचे की साइड करना है। मैं आपको फटाफट से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे गाइस मैंने होल कर लिया है और एक ऊपर की साइड यहाँ पे मैंने होल कर लिया है और यहाँ पे एक नीचे की साइड होल कर लिया है। और अब हमें गाइस दो वायर्स चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास कौन सी वायर है। यहाँ पे गाइस मैं दोनों ही कॉपर की वायर का यूज़ कर रहा हूँ। हमें जो है ऊपर के होल से जो है नीचे की तरफ जो है वायर्स को निकाल देना है। यहाँ पे मैं आपको फटाफट से इस वायर को जो है नीचे की तरफ जो है निकाल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे गाइस मैंने दोनों वायर्स को ऊपर के होल से नीचे की तरफ निकाल दिया है, ठीक है। और अब हमें जो है हमारे जो है ये नट वाला सिस्टम बनाया था ना हमने रिंग के ऊपर, हमें जो है इसको यहाँ पे लगाना है। हमें जो है दोनों वायर्स को जो है नट के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे गाइस मैं शोल्डरिंग नहीं कर रहा, डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा हूँ। शोल्डरिंग करने में जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कई बार। और अब हमें जो है यहाँ पे इस टाइप से इसको लगाना है। यहाँ पे देखिए गाइस हमारा लग चुका है। और अब हमें जो है चार नट बोल्ट चाहिए, ठीक है। और अब हमें जो है नट को हमारे बोल्ट के ऊपर चढ़ा देना है एक एक को। यहाँ पे इस टाइप से मैं चढ़ा रहा हूँ। और अब हमें चाहिए गाइस नाइक्रोम वायर। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास नाइक्रोम वायर है। ये जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जो है इजीली मिल जाएगी। हीटर का स्प्रिंग बोल कर जो है आप वहाँ से ले सकते हो। ये गाइस मेरे पास ब्रीक वाली है, वो इससे थोड़ी सी मोटी होती है, वो भी हमारे यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करेगी। यहाँ पे गाइस मैंने इसको इस टाइप से कर लिया है और इसको हमें जो है एक सिरे को एक नट के ऊपर लपेट के और उसके ऊपर जो है दूसरा नट चढ़ा देना है। और एक वायर के सिरे को जो है दूसरे नट के ऊपर लपेट करके इसके ऊपर भी हमारा जो है नट चढ़ा देना है। गाइज अगर आपको कनेक्शन समझ में ना आए तो मैं वीडियो के लास्ट में जो है आपको डायग्राम भी दे दूंगा, आप उस डायग्राम को देखकर जो है इजीली कनेक्शन कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने इसको नाइक्रोम वायर को कनेक्ट कर दिया है और अब हमें एक वायर को इस होल के ज़रिए बाहर निकाल कर जो है बीच में से कट कर लेना है। यहाँ पे गाइज मैंने वायर को बीच में से कट कर लिया है और अब हमें चाहिए गाइज एक स्विच। आप देख सकते हो मेरे पास ये स्विच है, इसके अंदर गाइज चार पिन है, ठीक है। हमें जो है एक तरफ की दो पिन को जो है तोड़ देना है, हमें सिर्फ दो पिन से ही काम चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने एक तरफ की दो पिन को तोड़ दिया है और अब हमें जो है इस स्विच को जो है हमारी पीवीसी पाइप के ऊपर चिपकाना है। यहाँ पे इस टाइप से गाइस मैं चिपका रहा हूँ और इसके ऊपर जो है हमें दोनों वायर्स को एक एक पॉइंट के ऊपर शोल्ड कर देना है। यहाँ पे गाइस मैंने कर दिया है और अब हमें चाहिए गाइस लिथियम आयरन बैटरीज। ये लैपटॉप की बैटरीज हैं गाइस, आपको लैपटॉप की बैटरी में से मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती तो गाइस आप वैसे भी इसको लिथियम आयरन बैटरी 18650 नंबर बोलकर जो है आप इसे ले सकते हो। और इसको गाइस हमें प्लस के पॉइंट के ऊपर कनेक्ट कर दिया है। ये गाइस बैटरी का प्लस पॉइंट होता है और नीचे वाला ये वाला माइनस होता है। और अब मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूँ और इसके प्लस के पॉइंट को यहाँ पे माइनस के ऊपर कनेक्ट करूँगा। और यहाँ पे गाइस हमारे दो पॉइंट निकल के आ चुके हैं, ठीक है। एक प्लस का आ गया और एक हमारे यहाँ पे माइनस का आ गया। और अब जो है मैं आपको यहाँ पे इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। एक वायर को गाइस हमें जो प्लस के ऊपर कनेक्ट कर देना है, आप कोई सी भी वायर को कर सकते हो और एक को माइनस के ऊपर। यहाँ पे गाइस मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है और इस बैटरीज को हमें जो है अंदर की तरफ डालकर जो है अच्छे तरीके से ग्लू लगा देनी है। यहाँ पे गाइस मैंने कुछ चार्जिंग का सिस्टम नहीं रखा, आप चाहो तो गाइस इसकी चार्जिंग का सिस्टम जो है कोई रख सकते हो, लेकिन गाइस यहाँ पे मैंने नहीं रखा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गाइस एक बार चार्ज करे काफ़ी ज़्यादा टाइम चल जाएगी। देखिए जैसे मैं बटन दबा रहा हूँ ये किस टाइप से रेड हो रही है। और अब चलिए गाइस मैं आपको इसको बाहर टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। गाइस आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेकर जो है इसके इजीली कनेक्शन कर सकते हो। और अब गाइस हम बाहर आ चुके हैं और इसके अंदर जो है हम इस रॉकेट को डालेंगे और इस रॉकेट को यहाँ पे चलाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस ये रॉकेट है, आप इसके हेल्प से कोई भी छोटा सा बड़ा पटाखा भी चला सकते हो। इस रॉकेट का जो गाइस फ्यूज़ है हमें जो है इसको नाइक्रोम वायर के साथ टच रखना है और इसकी स्विच को बस दबा देना है।
यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से ये चला। और अब जो है यहाँ पे मैं आपको एक बॉम्ब टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। मेरे पास ये सूतली बॉम्ब है, आप इसकी हेल्प से कोई छोटा या बड़ा बॉम्ब जो है इजीली चला सकते हो। यहाँ पे देखिए इस टाइप से जो है मैं रख रहा हूँ और इसके साथ जो है हमारे नाइक्रो वायर को टच करके जो है बटन दबा रहा हूँ। आप देख सकते हो गाइस कितने अच्छे तरीके से वर्क किया। अब जो है मैं आपको इसकी नाइट में भी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।